हेलो दोस्तों, मैं अमृत, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल अमृत रेलवेज में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे द्वारा 12 सितंबर से चलाई जाएगी नई 80 ट्रेनें, और इसको लेकर के इसका रिजर्वेशन 10 सितंबर से शुरू होगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या है पूरा मामला। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूं, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमसे मिलने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, कोरोना काल में ट्रेनों की संख्या में कटौती के बाद अब व्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर उतरने लगी है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि रेलवे 12 सितंबर से 80 नई स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रही है। इसके लिए रिजर्वेशन 10 सितंबर से शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि इस समय करीब 230 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रेनों के संबंध में अधिसूचना दिन में बाद में जारी किया जाएगा, और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो 80 नई ट्रेनें जिनका परिचालन 12 सितंबर से किया जाएगा, ये सभी ट्रेनें पहले से चल रही 230 ट्रेनों के अतिरिक्त होंगी। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि विशेष ट्रेन के लिए जब भी ज़रूरत होगी, जहां भी प्रतीक्षा सूची लंबी होगी, हम मूल ट्रेन के बाद उसी तरह की क्लोन ट्रेन चलाएंगे, ताकि यात्रा कर रहे यात्रियों को उसमें दिक्कत ना आए। और उन्होंने यह भी कहा कि परीक्षा या अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए राज्यों से अनुरोध मिलने पर रेलवे ट्रेनों का परिचालन करेगा। और दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, कोरोना वायरस महामारी की वजह से अभी केवल कोरोना स्पेशल ट्रेनों का ही संचालन किया जा रहा है। हालांकि रेलवे बोर्ड ने ये साफ नहीं किया है कि ये नई ट्रेनें चलेंगी तो ये कोरोना स्पेशल होंगी या फिर इनका नॉर्मल संचालन किया जाएगा। तो दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान बंद की गई चुनिंदा ट्रेनों को एक बार फिर से शुरू करने की तैयारी की गई है। इसमें दून एक्सप्रेस, राप्ती सागर, विक्रमशिला सुपरफास्ट एक्सप्रेस, शताब्दी समेत तेजस व डबल डेकर ट्रेनें शामिल हैं। बीते मार्च से कोरोना वायरस के चलते ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया था। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोविड-19 को लेकर के रेल नियमों में काफ़ी बदलाव किए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए एसी कोच में अब चादर, तकिए, कंबल आदि देना बंद कर दिया गया है। एसी का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रखा जा रहा है। पेंट्री भी बंद कर दी गई है। केवल पैक्ड फूड उपलब्ध कराया जा रहा है। यात्रियों को स्टेशन पर स्वास्थ्य जांच के लिए फिक्स टाइम से पहले बुलाया जा रहा है, जिसके बाद उन्हें यात्रा करने की अनुमति मिलेगी। अब दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, भागलपुर से फिलहाल अभी सिर्फ विक्रमशिला एक्सप्रेस को ही अनुमति मिली है कि वह स्पेशल ट्रेन बनकर चलेगी, जो कि 12 सितंबर से चालू होने वाली है। दोस्तों, मैंने सारी ट्रेन की लिस्ट इस वीडियो में अटैच कर दी है। आप लोग चाहे तो वीडियो को रोक कर देख सकते हैं कि कौन कौन सी ट्रेन कहाँ कहाँ से चलेगी और कहाँ कहाँ जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें। और हाँ दोस्तों, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएँ, ताकि हमसे मिलने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आप तक। तो दोस्तों, मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।